वही बात है गोपी की। अब तो जरूरी भी नहीं है कि उन्हें किसी चिन्ह के साथ अपनी तस्वीर खींचनी है उस हिसाब से, क्योंकि वो संकेत मिल ही जाते हैं लोगों को, वो एक संदेश मिल ही जाता है इन तस्वीरों से। और दुनिया की राजनीति की रवायत ये कहती है कि केवल बाकी चीजें नहीं, क्या काम हुआ है, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन रिश्तों की तस्वीरें भी अगर रहती हैं, अपने नेता का एक स्वरूप उस हिसाब से जो लोग देखते हैं उसमें, चाहे उनकी 100 वर्ष को होने को आई उनकी माँ के साथ उनकी तस्वीरें हो, या फिर वोट डालने के बाद अपने बड़े भाई के घर जाने की बात हो, ये सारी चीजें भी वोटरों के मन में कहीं पर छूती ही हैं। बिल्कुल श्वेता, ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली छूती है और लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब अपनी माँ के पैर छूते हैं तो एक सोसाइटी को एक अलग ही संदेश जाता है। और जब उनकी माँ हीराबा का 100वां जन्मदिन था श्वेता, वो तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली थी। माँ के पैर छू के माँ के आशीर्वाद लिए थे उन्होंने, माँ की चरणों में बैठे हुए थे। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री का रिश्ता नहीं आता, यहाँ पे माँ बेटे का रिश्ता होता है। बेटा चाहे किसी भी पोजिशन पे आ जाए, वो माँ के लिए अपना बेटा ही रहता है। और ये तस्वीरें सच में बेहद खास रहती है। ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें पहली बार देखने मिलती है, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आम देखने नहीं मिलती। आज अपने भाई के घर पे गए हैं, देखिए हमेशा ये कहते हैं अपने भाइयों से एक डिस्टेंस वो मेंटेन करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके जो भाई है वो भी कई बार ऐसे डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने भाई के घर पे जा रहे हैं। लेकिन भाई के घर जाना और वहां पे से जो तस्वीरें आएगी, ये भी एक संदेश होगी, क्योंकि ये एक आम प्रक्रिया नहीं है। इस बार थोड़ा सा अलग ये प्रक्रिया है कि वो अपने भाई के घर। और देखिए, प्रधानमंत्री की माताजी जो है हीराबा, वो भी काफी, क्योंकि देखिए हर चीज, वो हर चीज एक सिंबॉलिक होती है सोसाइटी के लिए। जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था श्वेता, तो खुद और आज भी वो खुद वोटिंग बूथ पे जाके वोट डालने वाली है। ये बात अलग है कि वो 11:30 बजे के आसपास जा रही है, लेकिन वो खुद जाके वोट डालने वाली है। यानी लोकशाही की इस प्रोसेस जो है, लोगों को ये अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और वोट डालें, क्योंकि ये उनका पहला कर्तव्य है जब चुनाव होता है तब। और अगर 100 साल, जिनके 100 साल हो चुके हैं, वो अगर महिला आके वोट डालती है और प्रधानमंत्री की माँ जो है वो आके इस तरीके से वोट डालती है, तो वो अपने आप में लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल, बहुत बड़ा मैसेज होता है। और प्रधानमंत्री की माँ भी आज पहुंचेगी, हीराबा आज पहुंचेगी वोटिंग बूथ पर, वो खुद अपना वोट डालेंगी। अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ वो पहुंच रही है। अभी प्रधानमंत्री पहुंचे सोमा भाई के वहां। सोमा भाई जिसके घर के आईडी पर, जिसके घर के एड्रेस पर प्रधानमंत्री का आईडी कार्ड बना हुआ है, और उनको मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं है, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो अपने भाइयों से। और कई बार हमने ये ऐसी स्टोरीज भी की है श्वेता, कि जहाँ पे बहुत आम सा जीवन जी रहे हैं उनकी परिवार वाले, क्योंकि अक्सर हमने भारतीय राजनीति में देखा है कि अगर दूर के चाचा का बेटा भी अगर राजनीति में होता है, तो वो पूरा फैमिली जो होता है वो कहीं आलीशान कोठियों में रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत सामान्य सा घर है उनका। और वहाँ पे एक आम जिंदगी जीने वाला ये परिवार है, जहाँ ये कहीं लोगों को नहीं होता है कि उनका जो भाई है या उनका जो बेटा है वो प्रधानमंत्री है। कहीं पे भी रिश्तों का गलत इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री अक्सर करते हुए बचते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी तस्वीरें जो है वो हमें दिखाई देती है। माँ के घर जाते हैं आराम से, क्योंकि उनके छोटे भाई पंकज मोदी का घर कोई इतना बड़ा कोठी नहीं है, सामान्य सा घर है, और वहाँ पे वो जाते हैं तो अक्सर हमें दिखाई देती है वो सोफे पे बैठकर आराम से जो उनकी माँ है उनके साथ बातचीत करते हुए। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें वो चाय पी रहे थे अपनी गोपी। संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि उनका आज का शेड्यूल क्या है। अब बातें कर रहे थे वो, यहाँ आज गुजरात से वापस लौटेंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की ओर जाएंगे, और आगे जो उनका शेड्यूल है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, और उनका जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे। लेकिन जो इस वक्त की तस्वीरें हैं, जहाँ पे वोट डालने गए थे, वो भी आम आदमी की तरह ही इसी तरीके से लाइन में भी खड़े रहे थे और पूरा वोट डाला है। तो एक जो प्रक्रिया है वो बहुत सामान्य से वो फॉलो करते हैं।